हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मटर आलू के सलोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। सलोनी बनाने के हमें चाहिए मटर, आलू, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। लहसुन, मिर्च और हरा धनिया को मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। गैस पर पैन चढ़ा दिया। पैन में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल मेरा अब गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं पचफोरन डाल दूंगी। उसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। पचफोरन को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। मैंने जो आलू मटर रखा है मैं उसको डाल दूंगी। आलू मटर को मैंने डाल दिया, उसको अच्छे से 2 मिनट तक चला लेंगे। 2 मिनट तक मैंने आलू मटर को अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम ढक देंगे। ढक के मैंने 2 मिनट तक अच्छा पका लिया है। जो मैंने लहसुन, मिर्च और हरी धनिया का पेस्ट तैयार किया है, अब मैं उसको डाल दूंगी। पेस्ट को डाल के मैंने चला लिया है। इसमें मैं अब 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 उबाल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। 1 उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे अच्छे से। ढक्कन खोल के एक बार हम फिर से चला देंगे और धीमी आंच पे ही पकाएंगे। तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं इसका पानी जल जाएगा और मेरा आलू पकेगा नहीं। मटर आलू की सलोनी मेरी पक के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। सलोनी मेरा देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। कल मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।